जो लोग हमसे बिछड़ गए हैं, जो संगठन से, जो कांग्रेस पार्टी से टूट गए हैं, उनको वापस से हम लोग हाथ से हाथ जोड़कर उनको वापस से लाएंगे। कांग्रेस के वोटरों को मनाएंगे जो कांग्रेस से नाराज हैं, जो बूथ लेवल के भारत जोड़ो का ही पार्ट जो है हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर के जन जन तक पहुँचाने का काम किया। बाइक रैली का आयोजन इसी क्रम में आज हम लोगों ने किया है। इसका उद्देश्य क्या है, राहुल गांधी जी चाहते क्या है? हाथ से हाथ जोड़ो का मैसेज सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम लोगों को हर किसी के साथ, कांग्रेस पार्टी हर वर्ग के साथ, हर लोग के साथ, हर दबे कुचले पिछड़े, जो भी जिनको रिक्वायरमेंट है, जिनको ज़रूरत है, जिनके साथ अन्याय हुआ है अभी के डेट में, जिनके साथ प्रॉब्लम चल रहा है, हम लोग हाथ से हाथ उनके साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ा है, इसका जो है हम लोग निर्देश देने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग कोलकाता में जो है बाइक रैली का आयोजन किया है और उसके बाद जो है कि हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं और ये कार्यक्रम जो है हर जिला लेवल और बूथ लेवल स्तर पर भी हम लोग लेकर के जाने का काम करेंगे। राहुल गांधी की रहनुमाई में कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा मुहिम में काफ़ी शानदार कामयाबी हासिल की और पूरे हिंदुस्तान में भारत जोड़ो यात्रा की लोकप्रियता देखने को मिली। अब कांग्रेस ने अपनी नई मुहिम हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। आज उस मुहिम की पहल मगरी बंगाल में प्रदेश यूथ कांग्रेस की जानिब से कोलकाता में मोहम्मद इमरान की रहनुमाई में शुरुआत की गई और ये मुहिम और कोलकाता ई मॉल से होते हुए कोलकाता के मुख्तलिफ सहराओं से गुजरी, उसके बाद सुबोध मलिक स्क्वायर के पास इस रैली का अख्ताम किया। ये रैली बाइक के जरिए निकाली गई जिसमें भारत जोड़ो, हाथ जोड़ो, नफरत छोड़ो, प्यार करो के नारों से पूरा रैली गूंज उठा। इस मुहिम की रहनुमाई मोहम्मद इमरान खान ने की, इसके अलावा रोहित कुमार, अजहर मल्लिक, अनवर अली खान, उसके अलावा कांग्रेस के कई अन्य यूथ लीडरान मौजूद रहे और इस रैली में हिस्सा लिया। आइए देखते हैं आगे की खबर। ये एक भारत जोड़ो का एक पार्ट है जो 28 तारीख को पूरे हिंदुस्तान में लॉन्च किया गया है। आज ये पहला प्रोग्राम मगरी बंगाल में हम लोगों ने आयोजन किया वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस की तरफ से और आने वाले दिनों में बूथ स्तर में ये काम हम लोग राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारे श्रीनिवास बीबी जी के नेतृत्व में हम लोग पूरे हिंदुस्तान में ये हाथ से हाथ जोड़वा कार्यक्रम करेंगे। हाथ से हाथ जोड़, जो लोग हमसे बिछड़ गए हैं, जो संगठन से, जो कांग्रेस पार्टी से टूट गए हैं, उनको वापस से हम लोग हाथ से हाथ जोड़कर उनको वापस से लाएंगे। कांग्रेस के वोटरों को मनाएंगे जो कांग्रेस से नाराज हैं, जो बूथ लेवल के स्तर से जो हमारे कार्यकर्ता थे, जो आज तृणमूल के गुंडागर्दी और दहशतगर्दी से जिनको धमका के तृणमूल में ले लिया गया है, उनको हाथ जोड़ कर हम लोग वापस लाएंगे कांग्रेस में और आने वाले दिनों में यूथ कांग्रेस के संगठन को हम लोग बूथ लेवल के स्तर से मजबूत करेंगे और राहुल गांधी के जो भारत जोड़ो यात्रा का जो मेन मकसद है उस मकसद को कामयाब करने के लिए ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को मजबूत तरीके से काम करेंगे और आने वाले दिनों में पूरे हिंदुस्तान में फिर से कांग्रेस का परचम लहराएंगे। ये हाथ से हाथ जोड़ो से अपने कांग्रेस कार्यकर्ता जो हमसे छूट गए, बिछड़ गए, उनको वापस मनाएंगे। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस, आप एक बात गलत बोल गए अभी, जो कांग्रेस सो गई है। कांग्रेस एक ऐसा पार्टी है जो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है। कांग्रेस पतली हो सकती है, दुबली हो सकती है, लेकिन कांग्रेस का हाइट कभी कम नहीं होगा। कांग्रेस का हाइट वही है, फिर जब हम मेहनत करेंगे, संगठन में खटेंगे, मेहनत करेंगे और फिर से कांग्रेस को फ्रेश करके, ताजा करके कांग्रेस में लाएंगे और कांग्रेस की हाइट कभी कम नहीं होगी। इमरान साहब, क्या आपको राजनीति पार्टी में सीट आती और जाती है? हम लोग सीट के लिए, सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते हैं। हम लोग साधारण आम इंसान के लिए राजनीति करते हैं, गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग के लिए राजनीति करते हैं। हम लोग कोई जाति पाति के लिए राजनीति नहीं करते। तमाम लोगों को जोड़कर चलने का तरीका ये भारत जोड़ो यात्रा में श्री राहुल गांधी जी ने दिखा दिया है और बता दिया है। आने वाले दिनों में राहुल गांधी के सैनिक के हिसाब से हम लोग भी रास्ते में रहकर राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करेंगे। गरीब वर्ग के लोग, मजदूर वर्ग के लोग के साथ खड़े रहेंगे। ये बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, भाजपा की जो गवर्नमेंट है, जो चंद पूंजीपतियों की गवर्नमेंट है, उन गवर्नमेंट के खिलाफ यूथ कांग्रेस एक इंची भी रास्ते में जगह नहीं देगा और यूथ कांग्रेस वापस से कांग्रेस के हाथ को, राहुल गांधी के हाथ को मजबूत करने का पूरा कोशिश प्रयास करेगा। ये बोलने का मेरा ये नहीं, हमारे जो नेतृत्व हैं नेशनल लेवल के वो बोलेंगे। और देखिए, कांग्रेस सबको लेकर चलना चाहती है, सबका विकास करना चाहती है। जो लोग आएंगे कांग्रेस में वेलकम है, जो लोग नहीं आएंगे कोई बात नहीं। कांग्रेस फिर भी अपने
बूथ लेवल के स्तर से काम करके दोबारा सरकार गठन करेगी, हम लोग ये आशा करते हैं। एक चीज बताना चाहूंगा मैं कि राहुल गांधी जी के आह्वान पर और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा कांग्रेस के श्रीनिवास बीबी और कृष्णा लवारू जी के निर्देश पर हम लोगों ने आज बंगाल यूथ कांग्रेस के बैनर तले हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजहर मलिक जी और उपाध्यक्ष इमरान जी के नेतृत्व में हम लोग आज भारत जोड़ो का ही पार्ट जो है हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर के जन जन तक पहुंचाने का काम किया। बाइक रैली का आयोजन इसी क्रम में आज हम लोगों ने किया है। इसका उद्देश्य क्या है, राहुल गांधी जी चाहते क्या है? हाथ से हाथ जोड़ो का मैसेज सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम लोगों को हर किसी के साथ, कांग्रेस पार्टी हर वर्ग के साथ, हर लोग के साथ, हर दबे कुचले पिछड़े जो भी जिनको रिक्वायरमेंट है, जिनको ज़रूरत है, जिनके साथ अन्याय हुआ है अभी के डेट में, जिनके साथ प्रॉब्लम चल रहा है, हम लोग हाथ से हाथ उनके साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ा है, इसका जो है हम लोग निर्देश देने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में आज हम लोग कोलकाता में जो है बाइक रैली का आयोजन किए हैं और उसके बाद जो है कि नहीं हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं और ये कार्यक्रम जो है हर जिला लेवल और बूथ लेवल स्तर पर भी हम लोग लेकर के जाने का काम करेंगे। जनता के बीच में जाने का हम लोग पैदल, बाइक के जरिए या अलग अलग तरीके से लोगों के बीच में हम लोग मैसेज लेके जा सकते हैं। आपने सुना होगा, अगर रैली में आपने देखा होगा तो हम लोगों का नारा क्या था, हाथ से हाथ जोड़ो, भारत जोड़ो, नफरत छोड़ो। तो हम लोग का मेन उद्देश्य जनता तक पहुंचाने का यही है कि हम लोग भारत जोड़ने निकले हैं और नफरत को हटाने के लिए निकले हैं। और आने वाले वक्त में या पंचायत इलेक्शन में कांग्रेस अपना सत्ता जमा पाएगी? नहीं, कार्यकर्ता कम तो नहीं, अभी तो काफ़ी कार्यकर्ता है हमारे साथ और सवाल कार्यकर्ता की संख्या का नहीं है, सवाल है मैसेज तक का। अगर एक कार्यकर्ता भी किसी एक जनता को अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है तो हम लोग अपने आप को समझेंगे कि हम लोग सफल रहे। भारतीय कांग्रेस का शुरू से सिद्धांत रहा है, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद भी, जब जब देश पे संकट पड़ी है तो जातीय कांग्रेस ने युवा कांग्रेस के द्वारा उस संकट को दूर करने का प्रयास किया है। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का संख्या कम हो सकता है, लेकिन आप खुद जानते हैं जिस तरीके से ब्लॉक स्तर पे, वार्ड स्तर पे, जिस तरीके से एक बोल सकते हैं कि एंटी सोशल कॉर्पोरेट निजाम जो कायम किया गया है, वो एंटी सोशल कॉर्पोरेट निजाम का काम क्या है कि कोई भी आदमी अगर अदर्स पार्टी से, अगर उधर वो रूलिंग पार्टी का ना हो, अगर वो अदर्स पार्टी का हो, अगर वो बाहर निकल के आता है और समाज में कुछ करना चाहता है तो कोशिश किया जाता है किस तरीके से उसका गला दबाकर उसकी जो आवाज़ है उसको दबा दिया जाए, उसको कुचल दिया जाए। यूथ कांग्रेस का मकसद ये है कि उन कुचले हुए, दबे हुए लोगों की आवाज़ को हम सब साथ मिलकर उनके हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम के द्वारा उनको सामने लाएंगे और उनके साथ मिलकर वो जो एक कॉर्पोरेट जो एंटी सोशल निजाम जो कायम किया गया उसको हम लोग दूर करने की कोशिश करेंगे।